पीपल आउट देयर एंड वेलकम टू माई चैनल, आई एम हुमा ताहिर। अच्छी क्वालिटी का मेकअप करना हर लड़की हर खातून की ख्वाहिश होती है, जो कि बहुत ही गॉर्जियस भी लगे और लॉन्ग लास्टिंग भी लगे और बहुत ही नेचुरल लगे। अब इस मेकअप को लगाना जितना आसान है ना, जब हम इसको उतारने लगते हैं ना, तो वाकई ऐसा लगता है ज़िंदगी मुसीबत में आ गई है, क्योंकि मेकअप यूज़ करने के बाद कोई ना कोई एक्ने स्पॉट ज़रूर आता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह घर पे जो हाउसवाइफ्स हैं या लड़कियाँ हैं, वो इजीली दो स्टेप्स में अपना मेकअप साफ़ कर सकती हैं। तो स्टेप वन में आपको चाहिए एक बहुत ही अमेजिंग से इंग्रेडिएंट। ये देखिए, मैंने लाइनर लगा लिया है, मेबेलिन का मस्कारा हमारे पास एसेंस का है। तो अब हमें एक चाहिए कॉटन राउंड। आपके पास घर में कोई कपास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो बेबी वाइप्स होते हैं वो है आपके पास, वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में चाहिए माइसेलर वाटर, इस पर आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, ये 250 से 300 के बीच में आ जाता है। और जो हाउसवाइफ हैं वो तो बहुत कम मेकअप करती हैं, तो आपको आई थिंक 2 माह बहुत ईजीली चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आईज़ मेकअप की तरफ आ जाते हैं। आईज़ मेकअप पर लैशेज लगी होती हैं, आईलाइनर लगा होता है, मस्कारा लगा होता है, जिसको उतारते उतारते ना हमारी पलकें उतर जाती हैं। तो आपने इस तरह कॉटन राउंड पर माइसेलर वाटर लगा के रखना है। 15 सेकेंड से पहले अगर आप उतारेंगे तो मेकअप नहीं उतरेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। इसलिए एटलीस्ट 15 सेकंड आपने आंखों पे रखना है इस कॉटन राउंड को। 15 सेकंड बाद आप जैसे ही इसको उतारेंगे, आप यकीन करें आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होगी, लैशेस भी उतर जाएंगी, मस्कारा भी उतर जाएगा और कोई बाल भी पलक का नहीं टूटेगा। और बाकी फेस को आप ईजीली कॉटन से यूज़ कर सकते हैं, तो ये साफ़ कर सकती हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें आपने उतारे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है कि कोई भी क्लिनजिंग मिल्क ले लें। ओलिविया का क्लिनजिंग मिल्क मेरा बहुत ही फेवरेट है, रिव्यू चैनल पे मौजूद है, इकनॉमिकल है। नहीं तो अगर आपके पास खाने वाला कोकोनट ऑयल घर पे मौजूद है एडिबल, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब आपने उसकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर अपने फेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करना है, सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करना है। अगर आपको स्टेप नहीं आते, परेशान नहीं होना, आपने बस गोल गोल फिंगर्स को घुमाते जाएं और नीचे से ऊपर की तरफ आपने मसाज करना है। इस मसाज को आपने एटलीस्ट 3 मिनट तक ज़रूर करना है। फोकस करें अपनी नोज़ पर, अपने अंडर आइज़ पर, अपने चीक्स पर, अपनी गर्दन को आपने नहीं भूलना, ठीक है ना। आपने अच्छी तरह मसाज कर लेना। मसाज करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप कॉटन से साफ़ कर लें, वेट वाइप से साफ़ कर लें, अच्छी क्वालिटी के टिश्यू पेपर्स हैं वो साफ, उससे आप साफ़ कर लें। उसके बाद आपका जो भी फेवरेट फेस वॉश है, जैसे मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ, इसके अंदर एसिड है तो मुझे एक्ने से बचाता है, या जो भी आपका फेवरेट आप जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हो, उससे आपने अपने फेस को 60 सेकेंड तक मसाज करना है। 60 सेकेंड तक मसाज करने के बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है। उसके बाद आपका दिल करेगा टोनर लगाएं, रेजर का स्प्रे करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, नाइट क्रीम लगाएं और सो जाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर लगे कि इस चैनल का कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब